सुजाता का जो गांव, सुजाता के गांव की कहानी बहुत ही अनमोल है। सुजाता वो करेक्टर है बौद्ध साहित्य में जिसने भगवान बुद्ध का जब पेट तप करते करते, साधना करते करते, विपश्यना करते करते रीढ़ की हड्डी से लग गया था, तो उस समय वो खीर उनके सामने रखी और उन्होंने वो खीर खाई। खीर खाने के बाद उनको पहली बार ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि बीमार शरीर और बीमार मन से कोई भी फायदा नहीं है। शरीर स्वस्थ होना चाहिए जिससे कि मन शांत होता है, और मन अगर शांत होता है तो फिर मन को जाना जा सकता है। ये ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ और इस ज्ञान को प्राप्त होने के बाद वो इस जगह को छोड़ के, क्योंकि पांचों जो उनके साथी थे, वो पांचों साथी उनको छोड़ के चले गए, और पांचों भिक्कू जब छोड़ के चले गए तो वो यहाँ से रिवर पार करके, जिसको फागुन नदी या निंजा रिवर बोलते हैं, वहाँ से पार करके चले गए और पीपल के पेड़ के नीचे जाके बैठ गए। पीपल के पेड़ की और निग्रोध यानी कि बड़ के वृक्ष की बड़ी मान्यता है। बहुत सारे बौद्धों ने बड़ के नीचे भी, जो बुद्ध हुए हैं बौद्ध के नीचे, बड़ के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त किया है, और भगवान बुद्ध ने पीपल के पेड़ के नीचे। ये सुजाता का गांव है। सरकार को यहाँ बहुत कुछ करना चाहिए, मगर मोस्टली जो काम है वो सब विदेशी लोग ही करते हैं। ये चारों तरफ से यहाँ हरा भरा है, मगर सरकार की तरफ से यहाँ कुछ नहीं है। ये इंटरनेशनल फेम की जगह है, क्योंकि यहाँ इंटरनेशनल लोग आते हैं, ऐसे करके यहाँ होता है। यहाँ धन धान्य की मान्यता बहुत ज़्यादा है और लोग यहाँ खूब पैसा देते हैं। यहाँ कोई व्यवस्था वैसी नहीं है जैसी व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ सब कुछ बड़ा बिखरा बिखरा सा है। सरकारी व्यवस्था होनी चाहिए, सरकारी लोग होने चाहिए, मगर बहुत दिक्कत है। शरीर को कष्ट देने की जो उच्चतम सीमा थी, उसको अनुभव करने के बाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने ये पाया कि शरीर को कष्ट देने से ज्ञान प्राप्त नहीं होता। वहीं पर सुजाता नाम की एक ग्वाला, जो उस गांव सेनानी जिसको आजकल बकरौर बोलते हैं, वहां पर आई और उसने वहां उनको खीर ऑफर की, खीर उनको प्रस्तुत की, खीर उनको दी। भगवान ने वो खीर खाई, मगर एक बड़ी अजीब सी विडंबना है कि जिस सिद्धार्थ गौतम ने, जिस भगवान गौतम ने साफ साफ कहा है कि भिक्खु संघ या लालच को दूर रखना चाहिए, सोना चांदी और पैसे या मुद्रा से दूर रहना चाहिए, आज उसी के नाम पर वहां कुछ लोग उस दर्शन को और भारत की छवि को धूमिल करते हुए, भारत की छवि को तार तार करते हुए विदेशी सैलानियों से, विदेशी लोगों से पैसे लेने के हजारों रास्ते वहां निकाल रखे हैं, और उस पैसे का आता पता नहीं वो कहां जाता है। भारत सरकार आंख मूंद कर ये सब देख रही है और भारत की छवि लगातार खराब हो रही है।